हेलो आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन नाउ यूएसए ने दावा यह किया है कि जिस आदमी ने प्लान किया था काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट को उसको इन्होंने यहां पे मार दिया है अफगानिस्तान में एक ड्रोन स्ट्राइक करके नाउ ये मैं क्लियर कर दूं कि काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट जिसमें अब बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 200 लोग मारे जा चुके हैं कई यूएस सोल्जर्स भी थे यहां पर यह अटैक कैरी आउट किया था एक सुसाइड बॉम्बर ने तो जिसने अटैक किया था उससे तो बदला यहां पे ले नहीं पाएंगे ये मगर जो मास्टरमाइंड है वहां पे यूएस दावा कर रहा है कि उसको उन्होंने यहां पर पनिश कर दिया है यहां पे आप देखोगे आर्टिकल है किल्ड द टारगेट ये जो तीन शब्द हैं आज के समय यूएसए में हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं किल्ड द टारगेट जो बाइडन ने भी अपनी स्पीच में यह कहा था कि वी विल नॉट फॉरगेट वी विल नॉट फॉरगिव हम ना भूलेंगे ना यहां पर हम माफी देंगे हम जल्द से जल्द बदला लेंगे इस अटैक का नावग्राफ यहाँ पे सोच रहे हैं कि वाह यूएस कितना इंप्रेसिव है प्रेसिडेंट ने कहा कि बदला लेंगे विद इन अ फ्यू आवर्स यू एस एयर स्ट्राइक्स भी कर देता है और इनको पता है कि टारगेट कहाँ पर लोकेटेड है यू एस को कैसे पता लग गया कि यही इंसान था और यू एस यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि जिस आदमी को इन्होंने यहाँ पर मारा है उसके आस पास कोई सिविलियन नहीं थे कोई सिविलियंस यहाँ पर नहीं मारे गए ड्रोन ने बिल्कुल प्रसिशन यहाँ पर स्ट्राइक करी है और आतंकवादी मारा गया नाव Uh, अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो दिस इज़ नॉट रियली द रियलिटी मैं हमेशा ये कहता हूं द डेवल इज़ इन द डिटेल्स डिटेल्स आप पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअली ये पूरा केस इंटेलिजेंस फेलियर था और अभी भी यूएस जो यहां पर कर रहा है ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही कर रहा है ना पहली बात तो आप नोटिस करोगे कि ये वो इलाका है जहां पर यूएस के ड्रोन ने करी है एयर स्ट्राइक और बिल्कुल आप नोटिस करोगे कि ये एरिया पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ज़रा करीब है देखो जो आईस खुरासान है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में इस्लामिक स्टेट का आप कह सकते हैं एशियन वर्जन जो चाहता है इस तरीके से खुरासान स्थापित करें यहाँ पर एशिया में इन लोगों के जो 99 परसेंट आतंकवादी हैं ये आपको मिलेंगे अफगानिस्तान के प्राइमरली दो प्रोविंस में एक तो है कुनार प्रोविंस दूसरा है नंगरार प्रोविंस जो ये दूसरा प्रोविंस है ना यहाँ पर यूएस ने किया है एयर स्ट्राइक और पिछले पांच साल से पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की बॉर्डर के पास जो ये प्रोविंस है अफगानिस्तान का यहां पर इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी ट्रेनिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको पूरा अफगानिस्तान यहाँ पे खोजना पड़ा ऑलरेडी इनको पता ही था कि अगर इस्लामिक स्टेट ने काबुल एयरपोर्ट पे अटैक किया है तो 95 परसेंट जो इनका टारगेट है जो यहाँ पे मार्षर माइंड है ये इसी प्रोविंस में छुपा होगा ना अब हम बात करते हैं यूएस की इनकॉम्पिटेंसी की देखो यूएस को पता था कि ये जो दो प्रोविंस हैं यहाँ पे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हैं मगर यूएस ने तब भी प्रॉपरली इन आतंकवादियों को खत्म नहीं किया मार्च 2020 में यूएसए के एक जनरल है जनरल मकैनजी इन्होंने यूएस पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था टेस्टिफाई किया था और ये इनकी स्टेटमेंट वेल डॉक्यूमेंटेड है आपको यूएस पार्लियामेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर यह स्टेटमेंट मिल जाएगी इनके जनरल ने यह कहा था कि हमने नंगहार प्रोविंस से आईसी को खत्म कर दिया है हमने तालिबान की हेल्प ली है जी हाँ मार्च 2020 में ही यूएसए ने एडमिट कर लिया था कि हम यहाँ पे तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इनकी कोऑपरेशन के साथ मिलकर हमने इस्लामिक स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है इस प्रोविंस में और मकैनजी ने फिर यहाँ पर ऐड करी थी ये स्टेटमेंट कि बहुत खून खराबा हुआ मगर तालिबान यहाँ पर सक्सेसफुल रहा और आईस आज के समय नंगरहार प्रोविंस को कंट्रोल नहीं करता मगर क्लियरली यहाँ पर या तो तालिबान ने मूर्ख बनाया है यूएसए को या फिर यूएस समझ नहीं पाया कि आज भी यहाँ पर आतंकवादी मौजूद हैं और इन्हीं लोगों ने काबुल एयरपोर्ट पर अटैक किया और कई यूएस मरीन्स मार डाले तो देखो अगर पहले ही यूएस फोर्सेज प्रॉपरली काम करती इन दो प्रोवेंसेज से इस्लामिक स्टेट को प्रॉपरली खत्म कर देती तालिबान पर भरोसा ना कर दी क्योंकि देखो यहाँ पे क्लियरली यही हुआ है तालिबान ने गलत इंफॉर्मेशन दी है यूएसए को कि इन दो से इस्लामिक स्टेट खत्म हो चुका है जबकि क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये बहुत हद तक पे एक्टिव है बड़े स्केल पर आतंकवादी हमला ये लोग कर सकते हैं तो अगेन अगर ये लोग प्रॉपरली इन प्रोवेंस से इस्लामिक स्टेट को अगर खदेड़ देते तो ये आतंकवादी हमला ना होता खैर खैरि अब बात करते हैं यूएस के बदले की कि इन्होंने बदला लिया कैसे है ड्रोन स्ट्राइक्स करी है अब ड्रोन प्राइस कैसे करी है कौन सा ड्रोन यूज किया है यहां पर इन्होंने यूज किया है एम क्यू नाइन रीपर अटैक ड्रोन यहां पे आप देख पाओगे ये है एम के ऊ नाइन रीपर और यहां पर यूएस ने दो टाइप के मिसाइल यूज किए हैं एक है जीबी यू ट्वेल्व पे वे टू मिसाइल दूसरा है ए जी एम डबल वन फोर हेल्पर मिसाइल ना जो ये ए जी एम डबल वन फोर मिसाइल है ये आज के समय भारत के पास भी है डिलीवरी अभी कंफर्म हुई नहीं है मगर हमने ये मिसाइल परचेज किया है फ्रॉम यू हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे जो एक मिसाइल है ये इसकी कीमत है एक लाख सत्रह हजार डॉलर और इस मिसाइल पर लॉकेड मार्टिन बोइंग दोनों ने मिलकर काम किया है प्रिस्टेशन के मामले में बताया जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है और हम लोग इस मिसाइल को यूज़ करेंगे थ्रू दी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ना एक क्वेश्चन यहाँ पर आप यही पूछ सकते हैं कि यूएसए ने इतनी जल्दी यहाँ पर अटैक क्यों किया है देखिए इसके दो रीज़न है पहली बात तो जो बाइडन की जो रेपुटेशन है हाल ही में हुए काबुल टेरिस अटैक के बाद ये बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी अमेरिकन चाहे डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहे जो बाइडन से तो ये अटैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो बाइडन की क्रेडिबिलिटी के लिए और इवन यूएस मिलिट्री की क्रेडिबिलिटी के लिए दूसरा यहां पर रीजन ये है कि व्हाइट हाउस ने यह कहा था कि जो काबुल एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ है इसके बाद और भी आतंकवादी हमले अभी हो सकते हैं इसलिए आपने देखा होगा कि इमीडिएट बेसिस पर यूके फ्रांस वेरियस कंट्रीज ने अभी के लिए जो अपना इवैक्यूएशन प्रोग्राम है कह दिया है कि हम बहुत ही जल्द रैप अप कर देंगे और हम काबुल एयरपोर्ट से दूर रहेंगे यहां पे आप देखोगे द गार्डियन का आर्टिकल है अनदर टेरर अटैक इन काबुल लाइकली व्हाइट हाउस सेज तो फिर से जो ये आतंकवादी हमला होना था मोस्ट प्रोबली ये नंगरा प्रोविंस से ही होना था तो आप कह सकते हैं फ्यूचर टेरर अटैक्स को रोकने की भी ये कोशिश है हालांकि अगेन जो बाइडन की यहाँ पर फंडामेंटल मिस्टेक ये है कि ये यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि दो टाइप के आतंकवादी होते हैं गुड बैड तालिबान यूएसए के हिसाब से गुड टेररिज्म है आईसेस बैड टेररिज्म है जबकि यहां पे यूएस की पॉलिसी होनी चाहिए थी कि ऑल फॉर्म ऑफ टेर्रिज्म इज बैड तो इन द फ्यूचर अफगानिस्तान एक आतंकवादी का गढ़ ना बन जाए इसके लिए यूएसए की सारी इन्वेस्टमेंट अब हो गई है तालिबान पर ये तालिबान पर डिपेंड करेंगे कि ये लोग इस्लामिक स्टेट को उभरने ना दें इसलिए कई जियो पोलिटिकल एनलिस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बाइडन यहाँ पर चोर को ही तिजोरी का गार्ड बनाकर जा रहे हैं और इस उम्मीद से यहाँ पर जा रहे हैं कि ये गार्ड इस तिजोरी की कई सालों तक रक्षा करेगा तो फॉर अ टाइम बिंग तो मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट यू को जाने से पहले इंश्योर करना चाहिए कि ये जो दो प्रोवेंसेज है अफगानिस्तान में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आतंकवाद ख़त्म हो नहीं तो इन द फ्यूचर ये जो दो प्रोवेंसेज हैं यहाँ से इस्लामिक स्टेट फैल सकता है और पूरे रीजन को बड़े स्केल पर डैमेज कर सकता है थ्रू टेररिज्म खार फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे यू पी एस सी एस एस सी बैंक एनी एग्जामिनेशन सिंपली जाओ अन अकेडमी डॉट कॉम पे या फिर अनअकेडमी की जो लर्नर्स ऐप है ये डाउनलोड कर लो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं वेरियस कोर्सेज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको परचेज करना है यू पी एस सी कोर्स क्लिक ऑन यू पी एस सी सी एस सी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स Uh, जो प्लस कोर्स है ये आपको पड़ेगा फॉर जस्ट थ्री थाउजेंड रुपीज पर मंथ फॉर द ट्वेंटी फोर मंथ कोर्स मगर ये प्राइस कभी भी पेमेंट कर देना यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड पीरी एन और प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे सो यूज द प्रोमो कोड पीरी एन एंड सेव योर हार्ड एंड मनीज सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत थैंक यू फॉर ऑलवेज गॉड ब्लेस यू